Hello, YouTubers and tag lovers out there. Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम एक SSD इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है M.2. और ये SSDs में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंटरफेस है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है. SSD आज जितने इंटरफेस में अवेलेबल है, जैसे कि SATA, M-SATA, SATA Express, M.2 और PCI Express, इतनी अलग अलग वैरायटी में आज SSD आपको मार्केट में मिल जाएगी. लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई इंटरफेस है और सबसे ज़्यादा जो कामयाब हुआ है, सक्सेसफुल, वो है M.2. और उसका रीज़न क्या है अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा. तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने M.SATA समझाया था, मिनी SATA, उसका ये अगला वर्जन है और इसीलिए M.2. ठीक है, M.2, कई बार गलती से लोग इसे M.2 भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज M.2. तो M.SATA का अगला वर्जन है. तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि M.SATA को बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया गया कंपेयर टू SATA, इसका जो फिजिकल वेट था वो 30 मिलीमीटर था, अब M.2 में उसको और भी कॉम्पैक्ट कर दिया गया, जो उसकी फिजिकल साइज है, वेट है, जो वो है 22 मिलीमीटर, M.SATA से भी छोटा हो गया. ठीक है, वैसा ही ये कनेक्टर है, देखने में ये ओवरऑल एक जैसे लगते हैं क्योंकि मदरबोर्ड पे फिजिकली होते हैं, लेकिन M.SATA है, M.2 है, वो M.SATA से भी छोटा हो गया है. 22 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और जो उसकी लेंथ है वो M.SATA की तरह ही अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी SSDs मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं जो अलग अलग साइज़ में इसे इंप्लीमेंट करती हैं. लेकिन जो पॉपुलर साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूं, 2280. अगर आप देखोगे मदरबोर्ड पे भी फिजिकली लिखा होगा 2280, दैट मींस 22 उसकी विड्थ है और 80 मिलीमीटर लेंथ है, और एक है 22110. तो 22 उसकी विड्थ है कनेक्टर की फिजिकली, और जो लेंथ है वो 1110 मिलीमीटर. ठीक है, 110 मिलीमीटर. तो ये बहुत ही कॉमन पॉपुलर स्टैंडर्ड है और उसके अलावा भी बहुत सारी लेंथ होती है, आपको चेक करना पड़ेगा पर्सनली. अगर SSD बाय करनी है तो आपके मदरबोर्ड पे कितनी वेट, वहाँ पे लेंथ अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, या ऐसा कोई राइजर गार्ड है आपके पास, एड ऑन गार्ड, उसमें कितनी लेंथ अवेलेबल है. वैसे तो जो ऐसे एड ऑन गार्ड्स होते हैं उसमें तो सारी लेंथ वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो भी SSD आप कनेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे एक जो खास ध्यान रखने वाली बात है वो है M.2 के अलग अलग वर्जन, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे M.SATA में था, M.SATA के भी बहुत अलग अलग वर्जन है, और ऐसे ही M.2 के भी बहुत अलग अलग वेरिएंट है, जो अलग अलग वर्जन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक वर्जन में आपको कितनी स्पीड मिलेगी. और जैसे मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, ये जितने भी इंटरफेस हैं वो कहीं ना कहीं PCI Express लेन का यूज़ करते हैं, तो आपको PCI Express की अलग अलग जनरेशन नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए अगर नहीं देखा है. तो M.SATA जो था पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने उसके अलग अलग जो स्टैंडर्ड हैं उस इंटरफेस के और उसमें आपको क्या क्या स्पीड मिलेगी वो मैंने वहाँ पे समझाया था. ठीक है, लेकिन M.SATA में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मार्केट में अभी कोई SSD बाय करने जाओगे M.SATA वाली, तो आपको सिर्फ जो उसका सबसे पहला वर्जन था 6 GBPS वाला, सबसे लो वर्जन, उसी में ही SSDs मिलेगी, और कोई वर्जन में SSD आज अवेलेबल नहीं है. और उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं M.2 ही है, क्योंकि M.2 M.SATA के रिलीज़ होने के थोड़े टाइम बाद ही रिलीज़ कर दिया गया. तो जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने अपनी SSDs M.2 में बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ये जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत पॉपुलर होने वाला है, ये इंटरफेस बहुत पॉपुलर होगा. तो M.SATA में इतना ज़्यादा आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसका रीज़न भी यही है. SATA Express की तरह नहीं है कि कोई भी SSD अवेलेबल नहीं है, लेकिन M.SATA में भी एक ये इश्यू है कि अलग अलग वैरायटी में SSDs अवेलेबल नहीं है, अलग अलग स्पीड वाइज. जो उसका सबसे एक लो वर्जन है 6 GBPS वाला, SATA वाले ही स्पीड मिलेगी अगर आप M.SATA भी खरीदते हो. लेकिन M.2 में अलग अलग वैरायटी में SSDs अवेलेबल है. ठीक है, तो अगर मैं M.2 का जो सबसे पहला वर्जन है उसकी बात करूं तो उसकी भी स्पीड SATA की जो स्पीड है उतनी ही थी, 6 GBPS. ठीक है, M.SATA का सबसे पहला वर्जन या SATA का थर्ड वर्जन, उनकी जितनी स्पीड है 6 GBPS उतनी ही स्पीड थी M.2 के सबसे पहले वर्जन की. तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सैमसंग की 850 सीरीज़ की आप कोई भी SSD खरीदोगे, चाहे वो 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर वाली SATA SSD है, M.SATA है या M.2 है, उसमें आपको स्पीड 6 GBPS वाली ही मिलेगी. ठीक है, तो आपके मदरबोर्ड पे भी ये, मैंने मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने, जैसे मैंने एक SSD वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी की सारी SSD समझाई थी, अच्छा खासा लंबा वीडियो था, उसमें मैंने सारे वर्जन वहाँ पे समझाए थे और उसमें मैंने M.2 का जो फाइनल वर्जन है वो वहाँ पे समझाया था, जो करंटली मार्केट में अवेलेबल है जितने वर्जन वो वहाँ पे समझाए थे. तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर मेरे मदरबोर्ड पे तो कुछ और लिखा हुआ है, कहीं पे आप देखोगे तो लिखा होगा M.2 6 GBPS, M.2 10 GBPS और M.2 अल्ट्रा लिखा होगा वहाँ पे 32 GBPS या 16 GBPS. तो ये सारे अलग अलग वेरिएंट है उसके M.2 के जो आपको समझने पड़ेंगे. तो M.2 का जो सबसे पहला वर्जन आया था उसकी स्पीड थी बिल्कुल SATA की स्पीड 6 GBPS. ठीक है, तो स्पीड वाइज
वाइज कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, जो इंप्रूवमेंट था वो था फॉर्म फैक्टर बिल्कुल छोटा हो गया। तो एमसेटा की तरह आपको, जैसे मैंने एमसेटा में कहा था कि वहाँ पे कोई आपको अलग से पावर सोर्स और डेटा केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जो कनेक्टर है इंटरफेस है फिजिकली मदरबोर्ड पे होता है तो वहाँ पे एसएसडी कनेक्ट हो जाएगी, आपका वो जो ड्राइव बे है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस थे ओवर सेटा, लेकिन पहले वर्जन में स्पीड वाइज कोई इंप्रूवमेंट नहीं था। अगर आप 850 सीरीज की M.2 भी खरीदोगे, ठीक है, अगर आप भी, मैं आगे और भी एसएसडीज का एग्जांपल दूंगा, लेकिन 850 सीरीज की सैमसंग की M.2 जो थी उसमें स्पीड सेटा जितनी ही मिलती थी, यानी कि 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है, राउंड अराउंड सिक्वेंशियल। अब अगर मैं उसके दूसरे वर्जन की बात करूं तो दूसरे वर्जन में जो सेटा बस है उसका यूज ना करते हुए पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन 2 की वहां पे 2 लेन्स एलोकेट की गई, यानी कि 10 Gbps दूसरा वर्जन जो आया उसकी स्पीड हो गई 10 Gbps, ठीक है। पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन 2 की जो एक सिंगल लेन थी उसकी स्पीड थी 5 Gbps, ठीक है, तो 2 लेन्स एलोकेटेड है फिजिकली, तो 10 Gbps। अब राउंड अराउंड 1 GB पर सेकंड की वहाँ पे स्पीड मिलती थी, लेकिन ऐसी एसएसडी आप मार्केट में कहीं देखोगे नहीं, क्योंकि उसके बाद के जो वर्जन है जो हायर स्पीड वाले उसी वर्जन में एसएसडीज आज अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड समझा रहा हूँ। उसके बाद जो तीसरा स्टैंडर्ड आया उसकी स्पीड हो गई 16 Gbps, बिल्कुल एमसेटा की तरह, ठीक है। वहाँ पे जनरेशन 3 की 2 लेन एलोकेटेड होती थी, जनरेशन 3 की, ध्यान से सुनिएगा, तो जनरेशन 3 की जो पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन 3 की एक सिंगल लेन की स्पीड थी 8 Gbps, 8 GB पर सेकंड, तो 2 लेन एलोकेटेड थी यानी कि 16 Gbps, तो राउंड अराउंड 2 GB पर सेकंड। अब ये जो एसएसडी है वो मार्केट में आप देखोगे 10 Gbps वाली एसएसडीज भी बिल्कुल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन उस वक्त बिल्कुल M.2 नया नया था तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, ऐसे मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसी एसएसडीज आई और चली भी गई, लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन ये जो स्पीड है, ये जो है, जैसे कि आप किंगस्टन की हाइपर एसएसडी है, ठीक है, या प्लेक्स्टर है, उसमें ये इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे एसएसडीज उन्होंने बनाई थी और रिलीज की थी, तो वहां पे 2 GB का उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का थियोरेटिकल है मैक्सिमम, तो अगर वो आप एसएसडी लगाते हो तो 1.5 GB के आसपास आपको स्पीड मिलेगी। अब उसके बाद जो वर्जन आया उसका चौथा वर्जन, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और अभी भी करंटली रनिंग है, ठीक है, उसमें पीसीआई एक्सप्रेस की जनरेशन 3 की 4 लेन एलोकेटेड होती है। तो अगर आप देखोगे 950 सीरीज की एसएसडी, 850 थी वो 6 Gbps वाली थी, ठीक है, M.2, लेकिन जो 950 और 960 सीरीज की एसएसडी है वो सारी की सारी पीसीआई एक्सप्रेस Gen 3x4, लिखा भी होगा अगर आप कभी पढ़ोगे तो Gen 3x4, तो वो Gen 3 पीसीआई एक्सप्रेस की Gen 3 है और बाई 4 मतलब X4 लिंक वहाँ पे एलोकेटेड है। तो जनरेशन 3 की जो एक लेन थी उसकी स्पीड थी 8 Gbps, तो ऐसी 4 लेन एलोकेटेड होती है यानी कि 32 Gbps। एग्जैक्टली आप उसे बाइट में ट्रांसफर करो तो 4 GB, ऑलमोस्ट 4 GB का आपको डेटा ट्रांसफर रेट वो स्टैंडर्ड सपोर्ट कर सकता है, एसएसडी नहीं, ठीक है। एसएसडी उसमें क्या स्पीड मिलेगी वो डिपेंड करता है एसएसडी टू एसएसडी, लेकिन स्टैंडर्ड समझा रहा हूं मैं आपको। तो अगर आप 950 सीरीज की 950 प्रो भी खरीदोगे तो वहां पे बहुत अच्छी 2.5 GB पर सेकंड की स्पीड मिलती थी रियल में, रियल वर्ल्ड, ठीक है। और जो उसके बाद आई 960, उसमें तो उससे भी आगे बढ़ गए, वो मोर देन 3 GB मिलती है, ठीक है। तो ये अलग अलग M.2 के अलग अलग स्टैंडर्ड है, और जब एक और फ्यूचर अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, फ्यूचर में एक और वर्जन आएगा जब PCI एक्सप्रेस की जनरेशन 4 रिलीज हो जाएगी, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जब जनरेशन 4 आ जाएगी 2018 के बिगिनिंग में या 2018 के एंड तक ऐसे चिपसेट ऐसे मदरबोर्ड आएंगे जिसमें PCI एक्सप्रेस की जनरेशन 4 होगी, तो उसकी एक सिंगल लेन की स्पीड है 2 GB पर सेकंड। तो ऐसे 4 लेन एलोकेटेड होने की वजह से जो M.2 का अगला वर्जन आएगा उसमें 8 GB पर सेकंड का सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी तो हमें उतनी स्पीड की ज़रूरत भी नहीं है नॉर्मल कंज्यूमर को, बाकी जो एंथूजियस्ट हैं उनको तो है, जितनी स्पीड दे दो उतनी कम है, लेकिन बहुत है, 4 GB की स्पीड भी बहुत है। कहाँ से अगर हम सेटा से कंपेयर करें, जो सेटा SSD होती है 500 MB पर सेकेंड, और अगर आप M.2 की 960 खरीदोगे तो 3.5 GB पर सेकेंड, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड्स है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग M.2 के अलग अलग वर्जन थे जो मुझे आपको समझाने थे, आई होप कि अब आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रेकमेंड ये करना चाहूँगा कि आप अपने मदरबोर्ड पे एक बार चेक कर ले, स्टडी कर ले उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कि वहाँ पे कौन सा वर्जन है, और उसके बाद कोई SSD खरीदे, ऐसा ना करे बॉटलनेक ना करे, जैसे कि आपके मदरबोर्ड पे तो ये जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है 4 GB वाला वो अवेलेबल है, और आप बिल्कुल पुरानी जनरेशन की कोई M.2 खरीद लेते हो जो 6 Gbps पे सेटा पे वर्क करती है, तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा ना करे कि आपके मदरबोर्ड पे बिल्कुल पुराना वर्जन अवेलेबल है और आज की 960 खरीद लो आप तो भी आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, बॉटलनेक करोगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी, आई होप कि जो भी मैंने समझाया सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है तो मुझे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।